नमस्ते दोस्तों, मैं आपको दोस्त शरद अमकडिकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है गोविंद टेक्नो गुरु जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में बताने वाला हूं। क्या है डायल वर्नियर कैलिपर, इसका बेसिक पार्ट्स क्या है, किस तरह हम जीरो एरर सेट करते हैं, किस तरह हम इससे डायमेंशन मेजर करते हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए कम्प्लीटली वॉच कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम जानते हैं इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। इसे हम कहते हैं फिक्स जॉ, इसे हम कहते हैं मूवेबल जॉ, ये है इंटरनल मेजरिंग निब्स जो बोर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ये है मेन स्केल, इसे हम कहते हैं डायल, ये है डायल लॉकिंग स्क्रू, इसे हम कहते हैं थंब रेस्ट, ये है डेप्थ स्केल, इसे हम कहते हैं लॉक स्क्रू जिससे हम रीडिंग लॉक कर सकते हैं, और इस पार्ट को हम कहते हैं रैक। सो ये हो गया इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में। तो अब हम जानते हैं इस डायल वर्नियर कैलिपर और इस एनालॉग वर्नियर कैलिपर के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में हम जानेंगे। सो ये जो है, ये है ऑर्डिनरी वर्नियर, जो एनालॉग वर्नियर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये जो वर्नियर स्केल है इसका भी लीस्ट काउंट है 0 to 2 mm। है डायल वर्नियर कैलिपर और वर्नियर कैलिपर का जो मेन डिफरेंस है वो ये है, इस वर्नियर स्केल को रिप्लेस किया गया है यहाँ पे इस डायल से। ये है इसका बेसिक डिफरेंस। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस डायल वर्नियर कैलिपर का वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। सो ये जो डायल वर्नियर कैलिपर है इसका वर्किंग मैकेनिज्म मेनली डिपेंडेंट है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म के ऊपर। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रैक, ये रैक जो कोइंसाइड करता है एक छोटा सा गियर जिसे हम कहते हैं पिनियन गियर। ये जो पिनियन गियर जॉस को मूव करते हैं तो आप देख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो पिनियन गियर है ये इस रैक में कोइंसाइड करके आपको यहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले करता है। सो इसलिए जब भी आप इस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करें, स्लोली आप क्लोज कीजिए और स्लोली ओपन कीजिए ताकि इसका लाइफ इंक्रीज हो सके। सो ये हो गया इसका वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। तो अब हम जानते हैं इस वर्नियर डायल वर्नियर कैलिपर का जीरो एरर हम किस तरह चेक करेंगे। सो उससे पहले इन दोनों जॉस को क्लीन कीजिए और इन दोनों जॉस को आपस में बट कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ज़ीरो एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए आप इसे ज़ीरो कीजिए और इस लॉकिंग स्क्रू को लॉक कीजिए। वर्नियर कैलिपर करेक्ट है, इसे हम मेजरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया इसका ज़ीरो एरर प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अब हम जानते हैं मेजरिंग प्रोसेस के बारे में। सो मेजरिंग प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें इस डायल वर्नियर के डायल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सो इसका लीस्ट काउंट है 20 माइक्रॉन यानी 0.02 mm। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर पे एक ज़ीरो है, नीचे पे एक ज़ीरो है। जब हम मूव करते हैं सो 0.1, 0.2, सो ऐसा करते हैं ज़ीरो से ज़ीरो मूव करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन स्केल पे वो होता है 1 mm, और जब हम ज़ीरो से अगेन इस ज़ीरो तक मूव करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 2 mm। यानी जब ज़ीरो से ज़ीरो एक कंप्लीट रोटेशन मूव करता है तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है मेन स्केल पे होता है 2 mm। अगर आप ज़ीरो से ज़ीरो मूव करते हैं यहाँ से या यहाँ से जो हाफ रोटेशन मूव करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है 1 mm। सो इन सभी के बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं मेजरिंग प्रोसेस की ओर। इस डायल वर्नियर से हम डायमेंशन मेजर करेंगे। सो इस जॉस के मदद से इस वर्कपीस का विड्थ हम मेजर करेंगे। रीडिंग को लॉक कीजिए, अब हम इसको निकाल रहे हैं। इसका रीडिंग है 45.66। किस तरह हम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं, पहले हमको मेन स्केल के रीडिंग लेना है। मेन स्केल का रीडिंग है 45 और इस डायल स्केल का रीडिंग लेना चाहिए। सो ये जो रीडिंग है 0.6 और 0.7 के बीच में है। सो 0.6 के ऊपर है, 0.7 के नीचे है। 0.6 के ऊपर कितना डिविजन्स है, 3 divisions। सो 45.6 प्लस 6, सो टोटल मिला के होता है 45.66। सो इस वर्क पीस का विड्थ है 45.66। दोस्तों, अब हम इस वर्क पीस का बोर डायमीटर चेक करेंगे, वो भी इस इंटरनल लिम्स को यूज़ करके। सो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर रहा हूँ, ये हमने रीडिंग ले ली है, अब हम इसको लॉक कर रहे हैं। दोस्तों, हमने रीडिंग चेक कर लिया है, उसको लॉक कर दिया है। इसका रीडिंग है 19.44। किस तरह इस रीडिंग को ऑब्टेन करते हैं मैं बताता हूँ।
सो यहाँ पे आप देखिए मेन स्केल का रीडिंग है 19 और जो डायल स्केल का रीडिंग है 0.4 के ऊपर है, 0.5 के नीचे है। सो 0.4 के ऊपर कितना डिविजन्स ऊपर है, सो 2 डिविजन्स यानी 2 × 0.02 वो होता है 0.04, यानी मेन स्केल का रीडिंग जो है वो 19 mm है, डायल स्केल का रीडिंग है 0.44 यानी 0.4 और उसके ऊपर 2 डिविजन्स यानी 0.44। सो टोटल रीडिंग बन जाता है MSR प्लस DSR इज इक्वल टू 19 mm मेन स्केल का रीडिंग, DSR का रीडिंग 0.44, सो टोटल रीडिंग हो जाता है 19.44। सो इस तरह हम इस वर्क पीस का बोर डायमीटर चेक किया है, उसका डायमीटर है 19.44। सो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल गोविंद टेक्नो गुरु जी को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।